इसके अंदर है Asus का नया गेमिंग बीस्ट। जिन्होंने बताया भाई ROG स्मार्टफोन्स काफी पेचीदा फीचर लेके आते हैं गेमिंग वाले सेगमेंट के अंदर। हमने सीरीज के जितने थे सारे ट्राई करके और हर बार कुछ अलग सा निकलता है। कभी लाइटें जल रही है, कभी पंखा जल रहा है, कभी भाई अलग से कूलर आ रहे हैं। एक तो भाई डब्बा काफी अलग सा दे रखा, पूरी संदूक वाली फील आ रही है। यहाँ पे फॉर दोज हू डेयर, पता नहीं क्या डेयरिंग हो रहा है भाई। देखो खुल के सर है यहाँ पे नीचे। ओ भाई अलग अलग चीजें निकल रही है। ये क्या निकला है? अरे भाई ये गोलियां निकली इसकी खाने वाली। मैं क्या कर रहा था, नहीं खाना होता। ये हमारा चार्जर निकल रहा है जिसपे आंख मरी हुई है, दूसरी आंख में मार रहा है। 65 वॉट का चार्जर। ओ भाई ये और दे रखा। ओ भाई कूलर क्या कर दिया। ओ भाई इसकी भी अनबॉक्सिंग होने वाली। यहाँ पे काफी सॉफ्ट रबराइज प्लेट दे रखी है भाई, ठंडा हो रखा है। इस मौसम में ठंड की जरूरत नहीं है वैसे भाई, अलर्ट टाइट हो रखी है। पूरा ही भाई ब्लैक फिनिश में दे रखा है। और यहाँ पे हो सकता है पीछे की तरफ लाइटें वाइट जलती हो। यहाँ पे बटन भी दे दिया भाई पीछे की तरफ, ट्रिगर में ऐसे दबाने को खट 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 खट। और भाई काफी अलग सी शेप है। और यहाँ पे नीचे टाइप सी का पोर्ट और हेडफोन जैक का भी पोर्ट दे रखा है भाई। दोनों चीजें काफी कूल सी लग रही है। इसको देखते हैं भाई, और भी चीजें देखते हैं और क्या क्या निकलता है। एक तार है हमारी भाई, अच्छी खासी मोटी ब्रेड। अच्छा यहाँ पे भी कुछ है। ओ ये क्या? अरे भाई ये तो ये सिम इजेक्टर टूल कम, ये तलवार ज्यादा लग रही है भाई। इसको ऐसे पकड़े खंजर लग रहा है भाई। ये देखो एक केस दे रखा है स्लीवलेस बैकलेस, बट साइड साइड में थोड़ा सा बचा। ठीक है भाई देखो, तो महंगा फोन बनाना होता कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती। और भाई फाइनली ओ भाई ये क्या कर दिया भाई, ये तो पूरा ही बदल दिया। इतने सालों से ROG फोन अनबॉक्स करे, बट इस साल वाला फोन भाई बिल्कुल ही अलग है। आप बोलोगे इसमें लाइट आइट है, इसमें लाइटें भाई छुपा रखी है अंदर की साइड पे। भाई इस फोन को पूरा ही एक मैट ब्लैक फिनिश में बना रखा है। यहाँ पे हल्के से एजेस हैं, कैमरा बम्प में भाई थोड़ा सा डिजाइन में हल्का सा चेंज कर दिया, बट काफी डिफरेंट फील है भाई इस फोन की। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जो केस में बीच का एकदम खाली छोड़ रखा है, मतलब यहाँ पे कुछ तो होगा। इतनी बड़ी केबल तो नहीं है, पर इसके इसे स्किपिंग हो जाएगी। महंगी क्या लग रहा है भाई? मुश्किल है भाई, गिर जाओगे। गिर के उठने वाले कोई तो बाजीगर कहते हैं। कीपिंग मास्टर गोगो। इस केस में हर जगह काटा है, इसलिए भी देखो पीछे की तरफ कुछ होगा। ये राइट साइड में यहाँ पे गेमिंग ट्रिगर्स हैं, पावर बटन वॉल्यूम बटन है, तो यहाँ पे सारी चीजें काटनी पड़ती हैं। लेफ्ट में यहाँ पे USB टाइप सी का पोर्ट है, तो और नीचे की तरफ भी भाई पोर्ट स्पीकर्स हैं, तो इन सारी चीजों के लिए भाई काट वाट के रखना पड़ता है। बट इसकी जो लुक है Asus ने पूरी ही चेंज कर दी है। बैक साइड में भाई पूरा एक मैट फिनिश वाला ग्लास लगा रखा है, वैसे ग्लॉसी सी यहाँ पे लाइन लगा रखी है। यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ गेमर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है GLHF गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड GF ही सुनाई दे तुमने, यहाँ पे गर्लफ्रेंड है। यहाँ पे भी ROG लिखा हुआ है, यहाँ पे 8K कुछ लिखा है। बैक साइड से ना हल्का सा आपको कर्व देखने को मिलता है, एंड फ्रंट की तरफ भी ना हल्का सा ही कर्व है, बट जो साइड्स हैं वो फ्लैट है, तो हाथ में फ्लैट और कर्व दोनों साथ साथ फील हो रहा है, काफी अलग सा लग रहा है। राइट साइड में भी पावर बटन वॉल्यूम बटन है, ऊपरी साइड पूरी फ्लैट है, नीचे की तरफ भाई सिम इजेक्टर USB टाइप सी स्पीकर हेडफोन जैक सब कुछ दे रखा है भाई। कोई पोर्ट कुछ नहीं छोड़ा, बल्कि एक दो एक्स्ट्रा ही दे दिए। बट यहाँ पे 3 कैमरे का सेंसर दे रखा है, एंड जो मेन वाला कैमरा है उसका ग्लास थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा है, तो अगर आप ऐसे रखोगे और हल्का स्क्रैच आता है तो मेन वाले पे स्क्रैचेस आपके नहीं आएंगे। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा साइड में स्क्रैचेस मार के दिखाऊं आपको, यहाँ पे अगर आप ऐसे देखोगे आपको लगेगा भाई काफी सारे स्क्रैच आ गए, इसको मैंने घिस दिया, बट ये वो गायब हो जाता है। इस टाइप के बैक पैनल का एक फायदा ये भी रहता है, इसमें फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल नहीं आते। मेरे को पर्सनली वो जो गेमर वाली थोड़ा मजेदार वाली वाइब थी वो ज्यादा पसंद आती थी, ये वाली थोड़ी सी म्यूटेड सी है। मतलब वो थोड़ा सेफ प्ले करना चाह रहे थे कि मतलब गेमर को भी समझ में आ जाए, अपना नॉर्मल कंज्यूमर को भी समझ में आ जाए, बट हम सेफ नहीं कहते। आपको लग रहा होगा भाई यहाँ से जब कवर हो जाएगा तो पावर बटन कैसे दबेगा, मैं भी वही सोच रहा हूँ, बड़ी बार चेक करेंगे। एक चीज मैंने नोटिस करी, इसमें ना एक अनबॉक्सिंग वाला मिशन है, इसमें बता रहा है भाई केस को हटा दो सबसे पहले, तो फिर उसके बाद फोन को ऐसे टेढ़ा कर दो। ओ भाई कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा, वाइब्रेट भी हो रहा है। अरे दीदी कहाँ जा रही है? अरे दीदी रुको, इंटेल सेज इट्स इन हाई लेवल डिफेंस मोड, सुपर नोवा। वी गॉट आवर न्यू टेक। एक्स कनेक्ट करना है भाई, इसका मिशन है भाई। ओ कुछ हुआ भाई, एनिमे में विजन एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे सेंसर जोन भी भाई वाइब्रेट हो रहा है। इंजन चार्ज कर लिया भाई, भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? अच्छा इसको फोन को ऐसे डालना है। ओ भाई देखो ये क्या हो रहा है, अरे बाप रे। प्लीज टेक आउट योर
भाई इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस तो कुछ अलग ही था भाई। क्या क्या चीजें लगा रखी हैं यहाँ पे बैक साइड में, यहाँ पे लाइट जली भाई पता भी नहीं चल रहा। एनिमे विजन भाई ये देखो। ओ भाई यहाँ पे पूरी लाइट्स हैं भाई, 34% बैटरी दिखा रहा है, आरओजी दिखा रहा है। बेसिकली यहाँ पे अंदर की तरफ एक डिस्प्ले लगा रखा है और इसमें अलग अलग लाइट्स हैं, कैमरा, स्क्रीन, नोटिफिकेशन, कॉल, सबके लिए लाइट जलती रही। बड़ी आरजीबी लाइट नहीं है। इसमें एक ऑप्शन है, इस लाइट को आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, इसमें आप चाहो तो खुद से ड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ पे श्लोक टाइप का, ओ भाई देखो मैं नाम लिखा रहा है, भाई देखा भाई ने, ये देखो क्या करा भाई ने, भाई भी कूल सा लग रहा है यार, मस्त है भाई। ये वाला भी कूल लग रहा है, एक्स बना रहा है, ट्विटर ने स्पॉन्सर नहीं करी वीडियो। यहाँ पे एक्स में कैमरा अगर चला दिया मैंने तो मैं फोटो खींचूंगा, तो खिचिक ये देखो खिचिक कब आएगा, और वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ये देखो ऐसा आएगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लोगों को पता चल जाएगा, तो सीक्रेटली नहीं कर पाओगे तो इसलिए बंद कर सकते हो। बट इस बार काफी कूल सा एक मिनिमल सी लाइटिंग है, ये डिस्प्ले टच स्क्रीन नहीं है। पिछली बार तक भाई काफी कलरफुल अलग अलग रंगीन चीजें लगाई जाती थी, बट इस बार भाई काफी बेसिक सा करने यूज हुई है। इनका मेरे ख्याल से मन था कि ये गेमिंग फोन के साथ साथ एक नॉर्मल लोग भी यूज करें, ये मेन मकसद था। डुअल सिम लगा रखी है 1 2। एक चीज और मैंने नोटिस करी भाई, यूएसबी टाइप सी ना ऊपर की तरफ दे रखा है, तो अगर आप खेलोगे तो ऐसे उंगली में ऐसे अटका सकते हो, ऐसे ये काफी फोन्स में ना दिक्कत रहती है, अब ऐसे खेलना काफी कंफर्टेबल रहता है, बीच में रहता है ना थोड़ा थोड़ा अड़ता रहता है, कहीं हाथ घुसाने में दिक्कत हो। नीचे की तरफ से अगर आप स्क्रॉल करोगे तो पूरा एक्स मोड का आपको दिखा देता है। इसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे एआई ग्रैबर है, कूलिंग मोड, एआई ट्रिगर्स, यहाँ से कोने से स्वाइप करोगे आपके सारे ऑप्शन आ जाते हैं, क्रॉस हेयर, क्विक कंट्रोल, रिकॉर्ड, स्पीड अप मैं दबाता हूँ, देखो तेज गेम ऑप्टिमाइज हो जाती है, यहाँ पे भी काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। एक इनका एक मैक्रो मोड है, ये काफी ज्यादा मेरे को पर्सनली कूल लगता है, मैं आपको दिखाता हूँ इससे होता क्या है। तो मैक्रो से होता क्या, आप 3-4 एक्शंस एक ही बार में कर सकते हो, समझ लो आपने ऐसे टैप करा तो ऐसे टैप 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 ऐसे करके गोली मारने रहेगा और आपको खाली एम करना रहेगा। जैसे अगर मैं स्टार्ट बटन दबाया तो ये देखो, ये खट खट खट, ये देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, अपने आप फायरिंग होगी, देखो 2 किल पेगी, पीछे से मार गया बट कोई दिक्कत नहीं है। मैक्रो से भाई ऐसे तेज हो गया, देखो मैं जैसे टैप कर अपने आप मार रहा, कुछ करने की जरूरत नहीं, काफी ज्यादा कूल है। इसको आप अलग अलग चीजों के लिए मैप कर सकते हो, कि जब आप इसको टैप करो तो ये क्राउच करके ऑटोमेटिक मारने लगे, या फिर इसको टैप करके आप मल्टीपल यहाँ पे ऐसे रिएक्शंस कर दो। फाइटिंग गेम्स में 4-5 मूव्स का कॉम्बो होता है, वो सारी चीजें आप एक बटन से कर सकते हो। इसमें अगर आप सेटिंग देखोगे तो इसमें आप HDR पे एक्सट्रीम भी खेल सकते हो। अभी ये फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है, तो इसमें इन डिटेल आपको मैं कैमरे की डिटेल्स नहीं बता पाऊंगा, एंड परफॉर्मेंस में भी बेंचमार्क्स हम नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा कंपनी बोलती है कि पहला फर्स्ट इंप्रेशन आप इतनी चीजें दिखा सकते हो, उसका फुल रिव्यू में सारी चीजें दिखाएंगे, बट हम थोड़ा सा अलग माहौल में आ रखे हैं, आपको थोड़ी सी फोटोज खींच के मैं दिखा देता हूँ। ये वाला वाइड का एक शॉट है, ये हमारा एक 1x वाला शॉट है, ये वाला एक पूल का शॉट है 1x में, वाइड में भी ले लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली पूरा अंधेरा हो रखा है, एक मेरी क्रिसमस वेंकी भाई की खींच देते हैं। ये अभी हमने कुछ फोटोज खींची, आप देख के बताओ आपको कैसा लग रहा है इसका, बाकी जो एक्चुअल फाइनल वर्डिक्ट है हम पूरा टेस्ट करके आपको फुल रिव्यू अगर हम बनाते हैं, या फिर ट्विटर इंस्टाग्राम पे हम कहीं ना कहीं आपको अपडेट कर देंगे। डिस्प्ले देखो ये काफी बड़ा चेंज करा गया भाई पिछले सालों से, हमेशा एक ऊपर की तरफ नीचे की तरफ बेजल्स रहती थी, बट अब ऑलमोस्ट एक बेजललेस सा डिस्प्ले कर दिया गया है। ऊपर की साइड नीचे की साइड दोनों तरफ स्टीरियो स्पीकर्स भी लगा रखे हैं, और भाई गाना सुनना पड़ेगा भाई, है डुअल स्पीकर ही, इसलिए स्पीकर्स पुराने वाले जितने लाउड नहीं फील हो रहे, टॉप में होगा बट पुराने वाले फोन से हल्का सा कम मुझे लगा भाई स्पीकर्स में। इसमें एक 6.78 इंचेस का 165 Hz AMOLED HDR 10 Plus डिस्प्ले, इसमें 2500 निट्स के अराउंड की ब्राइटनेस है, स्ट्रॉन्ग रेक्टेंगुलर सी आपको फील इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है, IP68 रेटिंग भी इसके अंदर ऐड कर रखी है। यूजुअली इस टाइप की रेटिंग गेमिंग फोन्स में आपको नहीं देखने को मिलती, क्योंकि वेंट वेंट होते हैं ना भाई फैन वैन वाले, बट भाई हाथ में पकड़ने में अच्छा खासा भारी है, 225 ग्राम्स इसका एक्चुअल वेट है। यूजुअली जितने भी स्मार्टफोन होते हैं महंगे फ्लैगशिप भारी स्मार्टफोन भी 200 ग्राम के अराउंड होते हैं, इसको एक नॉर्मल कंफर्टेबल फोन तो भाई आप नहीं बोल सकते, बट उसके थोड़े बहुत फायदे भी रहते हैं, जैसे आपको बैटरी थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, 5500 mAh की बैटरी इसके अंदर ऐड कर रखी, वो भी पिछले साल से कम है, पिछले साल 6000 mAh की बैटरी थी। इस बार मेरे ख्याल से बेजल वेजल काटने में थोड़ा एकदम कॉम्पैक्ट बनाने में 500 mAh बैटरी, थोड़ा बहुत स्पीकर इन सब चीजों में हल्का सा कटौती करी गई है। देखो इसमें एक दो और फीचर भी लगा रखे,
रखे हैं, ऐसे साइड से आप ऐसे दबाओगे इसको तो गूगल असिस्टेंट खुल जाए, और ज्यादा तेज दबाए अपने फ्लैशलाइट, इसको कस्टमाइज कर दो। छोटी छोटी चीजों में गेमिंग के काफी सारे टचेस इसके अंदर डाल रखे हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी भाई गेमिंग का एक अलग सा ही फील है। टू टाइप के क्विक सेटिंग पैनल आप चेंज कर सकते हो इसमें, मतलब भाई गेम खेलने के लिए है बस। प्ले स्टोर पे मैं गया, मैंने नेटफ्लिक्स डाउनलोड करना ट्राई किया, मैं चल नहीं रहा, ये इस फोन में चले गए, इस फोन में गेम डालो। यूआई में भी दो टाइप के यूआई है, एक स्टॉक वाला है एक आसूस का। इसमें स्क्रीन में भी काफी सारे ऑप्शन है, कलर टेम्परेचर आपको चेंज करना, कूल वूल करना। इसमें आपको रे ट्रेसिंग मिल जाती है, जैसे यहाँ पे टैंक वैंक लगा रखा है ना, तो इसमें आपको शैडोज आडोज मिल जाएंगी। रे ट्रेसिंग वैसे जिन लोगों को पता नहीं है, ये कंप्यूटर में होती है, काफी हाई लेवल की ऐसे ग्राफिक्स और शैडोज आडोज आती है। बड़े फोन्स में भी अभी रिसेंटली ऐड हुई है, बट दिक्कत मैं बताता हूँ, कोई गेम्स है नहीं इसको जो चलाए अच्छे से। है तगड़ी चीज बट क्या करें उसके भाई। आप इस फोन को ना हर तरफ से देखो, आप हर तरफ से इसमें गेम ही गेम दिखाई दे। इसमें ना गेम मोड भी ऐड कर रखा है, तो आप हर एक गेम में अलग अलग सेटिंग कर सकते हो। जैसे BGMI में एक्स मोड एंड कैंडी क्रश में आप एक डायनेमिक मोड ऐड कर सकते हो। हर गेम में डिस्प्ले साइज भी आप थोड़ा सा अलग कर सकते हो, अगर आपको बेजल चाहिए नहीं चाहिए, एयर ट्रिगर्स की सेटिंग अलग अलग करनी है। सबसे पहली चीज भाई, ये कूलर भैया को लाएंगे पहले। एक चीज मेरे को थोड़ी सी वेयर लगी कि इसमें ना कूलर से ये छुप जा रहा है, थोड़ा सा वेयर लग रहा है। ये देखो क्या अलग सा लग रहा है, यहाँ पे लाइटें जल रही है अलग अलग कलर की, रंगीनियां मचा दी हैं पूरी। यहाँ पे ऐसे ट्रिगर्स लगा रखे हैं, और आपने नोटिस करी होगी यहाँ पे ना पावर बटन जो ढक रहा है, अब पावर बटन इसके ऊपर आ जाता है। ये देखो पावर बटन ये हो गया, इसको स्टैंड पे लगा के आपको ऐसे खड़ा भी करना, ऐसे स्टैंड सा बन जाता है, काफी कूल सा है। अब इसमें दिक्कत ये कि मतलब मेरा ना ग्रिप नहीं बन पा रही कूलर के साथ, मेरा हाथ मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे मैं पकड़ूं, क्योंकि पहले से ही ठंड है, हाथ पर ठंडी ठंडी हवा आ रही है, हल्का सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। पहले क्या होता था, ROG का जो फोन था ना थोड़ा बड़ा होता था, तो मैं हाथ के लिए भी जगह होती थी, आप आराम से पकड़ भी सकते थे, बट अब क्योंकि छोटा हो गया फोन तो भाई ये मतलब ये इसमें थोड़े हाथ अटक जा रहे हैं, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है इसके साथ खेलना। भाई एक्सपीरियंस तो तगड़ा है, बट यार सही बताऊं ये गेम ना इसके साथ खेलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है मेरे को ना। अगर आपको इसमें गेम खेलनी है तो ऐसे नॉर्मल ही खेलने में कंफर्टेबल रहेगा भाई। ओवरऑल गेम खेलने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम ही एक स्मूथ गेम प्ले देखने के लिए मिलेगा, चाहे कोई भी आप गेम चलाओ कुछ भी करो। बट इसमें मेरे को एक चीज डेफिनेटली फील हुई, पुराने वाले ROG से डेफिनेटली भाई एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, वो सेम कंफर्ट लेवल नहीं आ पाता, क्योंकि पुराने वाले ROG फोन्स को पूरा ही गेमिंग के लिए बनाया गया था, तो आपको कैमरा पे भी पूरा बम्प वम्प नहीं देखने के लिए मिलता था, आप आराम से हाथ में पकड़ सकते हो। यहाँ पे हाथ में पकड़ने में आपको डेफिनेटली थोड़ा सा फील होगा, क्योंकि अच्छा खासा कैमरा बम्प है। उसके साथ ही एरो एक्टिव कूलर अगर आप लगाते हो तो पूरा फोन खींच लेता, तो आपके पास ना ग्रिप बनाने के लिए कुछ रह नहीं जाता। मेरे हिसाब से अगर आसूस ये फोन का डिजाइन चेंज कर रहा था, या तो इसमें ग्रिप देनी चाहिए थी या इसको छोटा करना चाहिए था। मेरे को एकदम ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को ये फोन ना बीच में थोड़ा फंस गया है। एक फ्लैगशिप फोन बनने की कोशिश कर रहा है ROG फोन, हो सकता है एक अच्छी डायरेक्शन में, बट उसकी वजह से गेमर्स को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज फील होगा। जो बनावट में लाइट्स आती थी, जो गेमिंग में कंफर्ट रहता था, उसका स्पीकर्स और जो एक्सेसरीज के साथ कंफर्ट रहता था, वो सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज है, पर उसके साथ साथ कैमरा में थोड़ा सा अपग्रेड है, तो ओवरऑल एक काफी बैलेंस्ड फोन बनाने की कोशिश करी गई। एक फ्लैगशिप फोन बनने के लिए मेरे हिसाब से एक काफी रिफाइंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और कैमरे में भी काफी सारे फीचर्स की जरूरत होती है, ऐसे सिनेमैटिक मोड, कहीं भाई चेहरे पे लाली लगानी है, कुछ अलग सा करना है, वो सारी चीजें इसमें थोड़ी सी मिसिंग रहती है। ओवरऑल एज अ फोन काफी सॉलिड है और काफी वैल्यू फॉर मनी, बट मेरे हिसाब से या तो ये पूरा एक फ्लैगशिप फोन बनता या फिर एक गेमिंग फोन ही बनता। ये बीच वाले स्पॉट में हो सकता है काफी सारे गेमर जो लेने वाले थे वो इस फोन को आप परचेज ना करें, और काफी सारे फ्लैगशिप फोन्स के साथ अगर इसको कंपैरिजन करें तो हो सकता है कुछ कुछ चीज में पीछे रह जाए। और भाई हमको पर्सनली इस वाले स्मार्टफोन को यूज करने में काफी ज्यादा मजा आया, काफी एक स्लीक लुक के साथ काफी एक डिफरेंट चीज ट्राई करी गई, और क्योंकि भाई कंपनीज नई चीजें बहुत कम ट्राई करी, तो भाई आसूस को डेफिनेटली प्रॉप्स देने पड़ेंगे हर बार कुछ अलग लेके आने के लिए। तो हाँ भाई इतना था इस वाले वीडियो के लिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।